ये बहुत सीरियस मामला है सर, बहुत सीरियस मामला है सर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात बहुत खराब है। क्या कार्रवाई करेगी और करना चाहिए सर? डबल इंजन की सरकार हमारी है। पैदा नजर नजर में ऐसा मकाम कर कि दुनिया सफर करे तेरे दामन से थाम कर। तीनों जिलों को जोड़ेगा सर, बहुत जरूरी है सर। इसी कड़ी में अरे कमाल पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सर एक कट होना बहुत जरूरी है। मैंने पिछली बार राज्यपाल जी के भाषण पर 2022-23 में और बजट 2023-24 में सर बोला, बजट भाषण 2023-24 में पूर्वांचल एक्सप्रेस औद्योगिक गलियारा सर बनाया जाए ताकि साथ साथ एक कट भी बन जाए सर, वहाँ बहुत जरूरी है। ताकि वो तहसील भी है सर, ब्लॉक भी है, ताकि उससे जो है पूरा। आप अपनी निर्धारित सीट से बोल सर, सर उसी में सर बोल रहे हैं, उसी में बोल रहे हैं सर। अभी एक मिनट सर, नहीं अपनी सीट से बोले सर। आप अपनी सीट से बोल रहे हैं? हाँ हम अपनी सीट से बोल रहे हैं सर। यहाँ कट होना बहुत जरूरी है सर। इसके पहले भी हम पिछले बजट भाषण में और हमने इस मुद्दे को उठाया सर, अभी तक नहीं हुआ। बहुत सीरियस मामला है सर, बहुत सीरियस मामला है, कट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं घड़ी देख रहा हूँ। आर्थिक गलियारा, मैं घड़ी देख रहा हूँ, बोलिए। आर्थिक गलियारा सर, एक सर बहुत ज्यादा जो है एक सड़क है, ऐतिहासिक सड़क सर, नेशनल हाईवे जो लखनऊ वाराणसी गया है सर, यहाँ से ये सड़क निकलती है सीधे मिठने घाट होते हुए सर वल्लीपुर होते प्रभात नगर अयोध्या को जोड़ती है सर। ये अगर सड़क बन जाए तो 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस बच जाएगा और इतना जरूरी है सर। अगर अयोध्या को हमारे लोग जाना चाहते हैं तो सर बहुत घूम के जाना पड़ता है और सर बजट है तो देना चाहिए, बट हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर। हम 2 साल से कंटिन्यू मांग रहे हैं सर, ये बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सर, MDR श्रेणी की सड़क है सर, इसको बहुत पर्सनली सर आप इसको आप सर आपका आपका संज्ञान बहुत जरूरी है सर। हम चाहते हैं सरकार इसको संज्ञान ले सर। सर एक थोड़ा सीरियस हो जाइए प्लीज, कि विधानसभा है ना, कभी हो कभी कभी अच्छे है, अब आते हैं जिस समय अपनी बात कही जाती है, लेकिन अब आप प्लीज उनको अपने बात बोलने। उत्तर सर एक सर, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता आहत है कि DDA और NDMC सर दिल्ली में 28-30-2024 को सुबह लगभग 5 बजे महरौली में कई ऐतिहासिक धरोहर को जो भारत की विरासत थी उसको नष्ट करने का काम किया और भारत को विश्व पटल पर संसार करने का काम किया सर। DDA और NDMC व दिल्ली सरकार जो इन्वॉल्वमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सर केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी और करना चाहिए सर। डबल इंजन की सरकार हमारी है, दिल्ली सरकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सरकार वो उस सरकार ने DDA और NDMC जो सर सबका साथ सबका विश्वास सब अगर वाकई में आपकी दिल इच्छा शक्ति है तो साथ गोई है सर, तो उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि DDA और NDMC के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करा के सर दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए सर। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बसदेव कुंडपगम की बात करता है सर। सर भारत सरकार अग्रसर हो, साथ साथ भारत का संविधान बचा रहे सर। हमारी एक सोच है सर, लास्ट सर एक मिनट ला, सर, ला, सर ला, एक मिनट सर ला, सर दलिया दरिया बन के अपेक्षा करता हूँ सर। मानी 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 सर, सर दरिया बन के अपेक्षा करते हैं कि किसी को डुबाने से बेहतर है सर, किसी को डुबाने से बेहतर है सर कि भारत के हर नागरिक को सुरक्षा भावना आदर करते हुए सागर बन के समाहित करने का काम करे सर। सागर बन के समाहित करने सर लास्ट सर एकदम सकारात्मक सोच रख के अनुसरण करें और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के भावनाओं का आदर करते हुए उनके द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूं सर। एक मिनट सर, कि पैदा नजर नजर में ऐसा मुकाम कर कि दुनिया सफर करे तेरे दामन से थाम कर। सर एक मिनट सर, आधा मिनट बचा सर, आधा मिनट सर। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सर, 23 करोड़ जनता आहत है सर। सर इस पे ध्यान दिया जाए सर। सर सर ये बहुत सीरियस मामला है सर, बहुत सीरियस मामला है सर। एक सर मामला और सर, बहुत सीरियस मामला है सर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात बहुत खराब है सर। जिले में मेडिकल स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, CSC में मेडिकल स्टाफ नहीं है, PSC मेडिकल स्टाफ नहीं है। थैंक यू सर। सर
एक गिरफ्त की दवाइयाँ नहीं है सर। अरे वो पैंट आपकी गिर रही है सर। सर एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है सर, सीएससीपीसी का हालत। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।